अस्सलाम वालेकुम। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मार्कोव एनालिसिस का, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी फ्यूचर को अगर प्रडिक्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट स्टेट्स, कि करेंटली उसकी स्टेट्स क्या हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और उसका उसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा सिंपल, तो हम उसकी नेक्स्ट स्टेट्स को प्रडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दी मार्केट शेयर में, कि कुछ कुछ कस्टमर्स हैं, या कोई आप जैसे पेट्रोल यूज़ करते हो, कुछ टोटल से यूज़ करते हैं, कुछ शेल से, कुछ किससे, तो वो मे बी 1 month या 2 month के बाद अपना जो वो चेंज कर लें कि नहीं जी, हम शेल से ले रहे थे, अब हम टोटल से जा रहे हैं, मे बी शिफ्ट होके वापस आए। इसी तरह से कुछ KFC से फास्ट फूड लेते हैं, कुछ मैकडोनल्ड से लेते हैं, कुछ हार्डी से लेते हैं, ये भी शिफ्ट करते होंगे, लेकिन ये तीनों में रहते हैं। और ये आपको भी आइडिया है कि वो शायद वो जो बच्चे जो ऑलरेडी वो फास्ट फूड लेते हैं ना, वो इन्हीं से खाते हैं, वो कहते हैं जी हमने फोर्थ ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, बस इन तीनों में से शिफ्ट करते हैं, कभी शिफ्ट करते हैं, कभी रिटेन करते हैं, एंड सो ऑन। यही मार्कोव एनालिसिस है कि हम प्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम फ्यूचर प्लान कर सकें, वट विल हैपन इन द नेक्स्ट पीरियड इफ करेंटली दिस इज द सिचुएशन, तो उस बेस पे। इसी तरह की एक एग्जाम्पल है, फर्ज करें कोई मशीन है और वो उसकी एडजस्टमेंट करवाई गई है, स्टेट 1 क्या है, उसमें तो था ना कि आप कस्टमर परचेज करता है या नहीं करता, तो वो उसकी स्टेट है, यहाँ स्टेट है मशीन इज फंक्शनली करेक्टली, वो ठीक काम कर रही है। स्टेट 2 मशीन इज नॉट फंक्शनल करेक्टली, तो दो स्टेट्स पॉसिबल है, या वो ठीक वर्किंग कर रही है, सही चल रही है, या वो ठीक वर्किंग नहीं कर रही, दो स्टेट्स हैं। From 2 लास्ट मंथ करंटली क्या हुआ है, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, यानी कि अगला जो मंथ है ना, करंट पिछला, वर्किंग कर रही हो अगर पिछले मंथ में, नेक्स्ट मंथ भी वो वर्किंग ही कर रही हो, कहता जी 80% चांस है कि अगर पिछले माह वो ठीक चल रही थी तो नेक्स्ट भी वो ठीक ही चल रही होगी, 20% चांस है कि उसकी वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी होगी, और अगर वो पिछले पर ठीक काम नहीं कर रही थी, नेक्स्ट मंथ वो ठीक काम कर रही है, दैट इज 1% चांस, और 90% चांस है कि अगर वो ठीक काम नहीं कर रही तो नेक्स्ट भी वो ठीक काम नहीं ही कर रही होगी। ये वही चीज है जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन की कि प्रीवियस मंथ में क्या था, नेक्स्ट मंथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन फंक्शन करेक्टली दिस पीरियड गिवन इट वॉज वर्किंग लास्ट पीरियड, वो पिछले पीरियड में भी ठीक काम कर रही थी, इस पीरियड में भी 80% चांस, एंड सो ऑन। ट्रांजिशन मैट्रिक्स से अब आप फेमिलियर है, कहता जी कि अगर वो मशीन करेक्ट वर्किंग कर रही हो दिस मंथ, वट इज द प्रोबेबिलिटी द मशीन विल बी फंक्शन करेक्टली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ भी वो ठीक ही काम कर रही हो, तो नेक्स्ट मंथ स्टेट प्रोबेबिलिटी, प्रीवियस मंथ स्टेट प्रोबेबिलिटी इन टू देन, ये है वर्किंग, ये है नॉट वर्किंग, बता रहा है वो वर्किंग कर रही है 100%, मल्टीप्लाई कर दें पी से, 80% चांस है। ये वही चीजें हैं ना जो ये आ गई, 80% अगर वो इस माह से ही काम कर रही है तो कहता है 80% चांस है कि वो नेक्स्ट मंथ भी ठीक वर्किंग ही कर रही हो, और 20% चांस है कि इस माह तो वो ठीक काम कर रही है, ठीक चल रही है, अगले मंथ में वो डिस्टर्ब हो जाएगी 2 months आफ्टर। ये वही चीजें हैं, अब स्टेट प्रोबेबिलिटी एंड देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 66 और 34% हो जाएगी, और एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन करते जाएंगे तो वर्किंग और नॉट वर्किंग की स्टेट प्रोबेबिलिटीज जो है वो चेंज होती जाएगी। हमने समझना है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स कैसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज आर द लॉन्ग रन एवरेज प्रोबेबिलिटीज फॉर बींग इन ईच स्टेट, लॉन्ग रन, काफी टाइम के बाद ऑन द एवरेज हर स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहते हैं वो तो चेंज होती जा रही है, यही बताया जा रहा है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टडी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक, उसके बाद उसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। अब तो बड़ी चेंज आ रही है, क्या चेंज आ रही है, 80-20% था, अगली में वो 66 और 34% हो गया, मे बी अगली में और चेंज हो जाए, ठीक, लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी कि जब उसकी स्टेट्स प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, जो पिछले पीरियड की स्टेट्स प्रोबेबिलिटी है
ऑल्दो हम पी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन अगले पीरियड की भी स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट वही होगी। हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज है। इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट इफ स्टेट प्रोबेबिलिटीज डू नॉट चेंज आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ पीरियड्स। यानी कि हम चेंज करते जा रहे हैं ना। आप ये समझ लें कि मैंने टेंथ की स्टेट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की, नाइन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई विद पी, और जब फाइनल कैलकुलेशन का आंसर आया सारी कैलकुलेशन का, तो पता चला ये वही आंसर आया जो नाइन्थ स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी थी। टेंथ स्टेट की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज द प्रीवियस स्टेट, ऑल्दो मैंने पी से मल्टीप्लाई भी किया है। आप कहें जी मल्टीप्लाई करना तो चीजें तो बढ़नी चाहिए। एक छोटी सी एक ऐसे ही एक डेमोंस्ट्रेशन समझ लें। ये है कि बात तो ठीक है कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बढ़ता है। मैंने 2 की पावर 1 ली, ये मैंने पावर लिखी है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 ली तो वो 2 होता है, 2 की पावर 2 ली तो 4 होता है, 2 की पावर 3 ली तो 8, 2 की पावर 4 ली तो 16। यानी कि मैं 2 की पावर बढ़ाता जा रहा हूं तो नंबर देखे 2 की पावर जब 13 की है तो इतना बड़ा नंबर आ गया। तो यहां से ऐसे लगता है जैसे ही हम किसी नंबर की पावर बढ़ाते जाते हैं तो नंबर जो है वो इंक्रीज ही करता जाता, लगता तो वैसे ही है। अब मैंने नंबर 0.2 कर दिया, अब 2 की पावर 1 ली तो 0.2, ये तो ठीक है, 2 की पावर 2 ली तो आंसर आएगा 0.04, जो कि इससे कम हो गया है। इस 2 की पावर 3 लूंगा तो नंबर तो और उससे कम हो गया है, और कम हो गया है। और देखें जब मैंने 2.2 की पावर 30 ली, 0.2 की पावर 30 ली तो नंबर तो और भी उससे कम हो गया, नंबर और कम हो गया, नंबर ये उससे भी कम चलेगा। ये 5.4 था, ये 1.1 है। तो क्या हो रहा है, अगर नंबर इटसेल्फ 1 से कम हो, जितनी ज्यादा पावर करेंगे उतना नंबर कम होता जाएगा, उतना ही नंबर जो है वो कम होता जाएगा। अब हो क्या रहा है, चूंकि ये ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटीज में जो नंबर होंगे वो इटसेल्फ 1 से कम ही होंगे ना, जैसे 0.8, 0.2, 0.9, 0.1, एक स्टेज ऐसी आएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहें जी पावर ले तो रहे हैं तो पावर से तो नंबर बढ़ना चाहिए, जैसे अगर यही है, इसको याद है ना, ऐसे लिख देंगे पी की पावर 10, ये वो आप कहेंगे जी इतनी बड़ी पावर से 10 से मल्टीप्लाई किया और अगली दफा हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, जो 10 से कर रहे थे वही 11 से भी कर रहे थे तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ 1 से कम होगी, वो बड़ा माइनर सा फर्क पड़ रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर नेक्स्ट स्टेज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द प्रीवियस स्टेट प्रोबेबिलिटी, हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज आ गया। एट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट पीरियड इक्वल्स द स्टेट प्रोबेबिलिटीज फॉर द करंट पीरियड, यानी कि जो नेक्स्ट पीरियड प्रोबेबिलिटीज हैं वो उसके करंट पीरियड प्रोबेबिलिटीज के बराबर हो जाती है। अब ये मैंने एक एग्जांपल जो अभी आपसे शेयर की मशीन वाली, कहता वन वे टू कंप्यूट द इक्विलिब्रियम शेयर ऑफ द मार्केट, इक्विलिब्रियम शेयर ऑफ द मार्केट कि जी एट द लॉन्ग रन शिफ्ट हुए जा रहे हैं, शिफ्ट हुए जा रहे हैं, शिफ्ट हुए जा रहे हैं, कहता कभी ऐसा भी होगा कि शिफ्टिंग जितनी उधर से हो उतनी की इधर से हो लाइक हो जाएगा। कहता वन वे टू कंप्यूट द इक्विलिब्रियम शेयर ऑफ द मार्केट इज टू यूज मार्कोव एनालिसिस for the large number of periods and see if the true amount approaches the stable values. ke ji ab iske baad state probability calculate karte ho to almost wo hi rehti hain jo pehli states ki hoti hain, stable ho jati hain. for the machine example the markov analysis is repeated for 15 periods. usne karke dekha, main bhi aapko bhi qm pe bhi isko dikhayenge ki kis tarah se aapne data simple sa put karna hai. kehta by the 15th period the share of the time of the machine spent function correctly and not function correctly is 66% and 34% respectively. 15 periods ke baad wo pehli state mein tha, wo working kar rahi thi, ye working hai ye not working hai, agle month mein
80% चांस था कि अगर वो वर्किंग कर रही हो और स्टिल वर्किंग कर रही हो, लेकिन 20% चांस था कि वो वर्किंग कर रही थी लेकिन अब वो नहीं करी, खराब हो गई। नेक्स्ट में अब 80% 80 का ऐसे ही है ना, 66% चांस या 34% चांस। नेक्स्ट फिर चेंज हो गया, नेक्स्ट चेंज हो गया, नेक्स्ट चेंज हो गया, ये चेंज देखिए होता जा रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। और अगर आप नोट करें कि इसके बाद चेंज कोई 30, 36, 35, 34, 34, 33.339, 33, 33 बहुत कम चेंज आती, कहता ये इक्विलिब्रियम पे आ गए, 66% और 34%, बहुत ज्यादा चेंज नहीं ना, इसको भी राउंड करेंगे 34 है, ये भी 34 है, ये भी राउंड अबाउट 34, तो कहता है 15 स्टेट्स के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो, तो ये है लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटीज। एक तो यही वे है कि जी आप बस कैलकुलेट करते जाएं, जब प्रोबेबिलिटीज में चेंज ना आए आप कहें ये इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज आ गई, ऑफ जॉब है। मैथमेटिकली इसको कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जब भी फार्मूला पढ़ा था, इसको इधर लिख दें, एक ही बात है, इज द इट्स प्रीवियस स्टेट्स मल्टीप्लाइड विद द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इसकी करंट स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट कह दें, एन मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज टू गेट द नेक्स्ट स्टेज। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगी कि हमने न्यू स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रीवियस स्टेट्स मल्टीप्लाई विद पी प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू स्टेट्स, नोट किया वो तो वही आ गई जो प्रीवियस स्टेट की थी, ऑल्दो हमने कैलकुलेट की है नेक्स्ट स्टेट्स की, लेकिन इसका जो आंसर हमने देखा था, हमने कहा ये तो वही प्रोबेबिलिटी है जो प्रीवियस स्टेट्स की है, तो इसका मतलब है कि यही इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटी है। अब वो कितने पीरियड के बाद आएगी, वी डोंट नो, 15 पीरियड के बाद वी डोंट नो, 16 के बाद वी डोंट नो। अब हम पीरियड नहीं कैलकुलेट करेंगे कि कितने पीरियड के बाद ये स्टेट्स प्रोबेबिलिटी आएगी, हम चाहते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज आएगी कितनी, होगी कितनी। आप कहेंगे तो फिर करते जाएं, ये तो मुश्किल जॉब है, तो इसका एनालिटिकल वे क्या है, एनालिटिकल वे ये है कि एन प्लस वन स्टेट की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रीवियस स्टेट प्रोबेबिलिटी into the transition matrix, equilibrium state में क्या definition दी है, equilibrium state में हमने definition दी है कि if next state probability is equal to previous state probability then we can say this is the equilibrium state probabilities, ऐसे ही है ना। तो फिर मैंने क्या किया, इस next state probability को जब equilibrium पे लिखेंगे तो हम कहेंगे ये तो फिर इसके बराबर होंगे, और मैंने क्या किया इसकी बजाय previous state की ही probability लिख दी और राइट साइड पे यही वर्ड लिख दिया राइट साइड पे। अब इसको आपने क्रॉस नहीं करना, ये वाली दीज आर द स्टेट प्रोबेबिलिटीज, वो पी से मल्टीप्लाई हो रही है ना, ड्रॉप नहीं करना है इसको, देन सिर्फ एन छोड़ दें। अब ये नहीं हमें पता, हमें इससे कंसर्न नहीं है कितनी स्टेज के बाद ये स्टेबल होगी, कितनी स्टेज के बाद ये इक्वल होगी, एंथ है ना, एंथ पीरियड, जैसे उधर तो हमने कैलकुलेट करके देखा तो 15 के बाद बनता था, वो छोड़ दें, ये एक इक्वेशन बन गई। कहता है ये ऐसी इक्वेशन है कि हम स्टेट प्रोबेबिलिटीज को अगर ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो कहता दोनों आंसर में कोई फर्क नहीं आता, वो कौन सी ऐसी स्टेट प्रोबेबिलिटीज हैं कि जिनको पी से मल्टीप्लाई भी कर ले फिर भी आंसर में कोई चेंज नहीं आती। जैसे मैं कहता हूं 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, 6 1 से, ऐसे ही है ना, 1 से तो कोई चेंज नहीं आती। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, हम ये पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टेट प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू द स्टेट प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय द ट्रांजिशन मैट्रिक्स, वही तो हमने कैलकुलेट करनी है, स्टेट प्रोबेबिलिटीज ही तो कैलकुलेट करनी है, ये वर्किंग की क्या होगी और नॉट वर्किंग की क्या होगी, यही तो हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने वर्किंग की प्रोबेबिलिटी जो कि अननोन है कैलकुलेट करना, उसे पाई वन कह दिया, नॉट वर्किंग की स्टेट प्रोबेबिलिटी जो कि कैलकुलेट करना है पाई टू कह दिया। कहता है वो क्या पाई वन और पाई टू की वैल्यू हम कैलकुलेट करें कि अगर उसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए इवन देन भी वो वही रहती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द
right hand side, which is the value of pi 1 and pi 2. तो कौन सी ऐसी वैल्यूज है पाई वन और पाई टू की जिनको पी से भी मल्टीप्लाई कर दे फिर भी आंसर वही रहता है, देयर इज नो चेंज. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वही तरीका कार है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पाई 1.8 से मल्टीप्लाई होगा प्लस पाई 2.1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर फर्स्ट रो और अब सेकेंड कॉलम पाई 1.2 से मल्टीप्लाई होगा और पाई 2.9 से मल्टीप्लाई होगा. एलिमेंट बनेंगे ना, 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगी. अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं, दो मैट्रिसेस अगर मैं कहूं कि ये अगर फर्ज करें इक्वल है, एक्स वाई ऐसे कर दें 5, 4 कर दें, तो इसका मतलब है एक्स इसके बराबर होगा और वाई इसके बराबर होगा. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो पाई वन जो होगा वो पहले एलिमेंट के बराबर होगा. पहला एलिमेंट सम करके आएगा ना, तो एक इक्वेशन बन गई कि पाई वन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. और जो पाई टू है वो जो इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है वो उसके बराबर होगा. पाई टू इज इक्वल टू पॉइंट टू पाई वन एंड पॉइंट नाइन पाई टू. ये दो इक्वेशंस बन गई. क्या कैलकुलेट करना था? पाई वन और पाई टू. याद रखें ये दो इक्वेशन जरूर है, इसमें दो अननोन जरूर हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगी पाई वन और पाई टू के लिए. ये नहीं सॉल्व होगी. आप कहेंगे क्यों नहीं सॉल्व होगी? ये इसलिए सॉल्व नहीं होगी, फर्ज करें आपको मैं एक मैट्रिक्स देता हूं सॉल्यूशन के लिए, अब मैं कहता हूं इसको जरा सॉल्व करके बताएं. 2x और कुछ लिख लें, मैं कोई खास रीजन नहीं है कि मैं क्यों ऐसा करने लगा हूं. -4y इज इक्वल टू 10. 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10. और इधर आ जाएगा जी 8x माइनस 16y इज इक्वल टू 20. दो इक्वेशन है, दो अननोन है. मैं कहता हूं जरा इसको एक्स वाई का आंसर जो है वो सॉल्व कर दें. आप बड़ी जल्दी से कहेंगे कि जी हमें एलिमिनेशन मेथड आता है तो हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं. इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट बैलेंस हो जाएंगे. 8x माइनस 16y इज इक्वल टू 40. और ये आ जाएगा 8x माइनस 16y इज इक्वल टू 20. साइन चेंज करने, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल कैंसल, 0 इज इक्वल टू 20. ये बच गया जी. किधर गया एक्स वाई किधर गया? नॉट पॉसिबल टू सॉल्व. क्यों सॉल्व नहीं होता? ये इक्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है. इक्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल है. मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन जनरेट होगी. देखें पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड बन गई. तो ये इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल है, इंडिपेंडेंट नहीं है. जब तक हमें अगर दो वेरिएबल्स हों और हमें दो इक्वेशन तो चाहिए, लेकिन अभी कभी वर्ड नहीं बोला हमने, तो बोलना चाहिए कि वो इक्वेशन जो दो आपको रिक्वायर है सोल्यूशन के लिए वो आपस में एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, वरना सोल्यूशन नहीं आएगा. ठीक. अब जरा देखिए कि वो कैसे मल्टीपल है. वो इस तरह से मल्टीपल हैं कि आप इस पाई वन को, ये सारी एक्सप्रेशन जरा एक साइड पे ले आए. पाई वन ऑलरेडी है नेगेटिव 0.8 पाई वन और नेगेटिव 0.1 पाई टू. इस साइड पे जीरो करते हैं, सारी एक्सप्रेशन में इस साइड पे ले आया. ठीक है ना, नेगेटिव 0.1 और पाई वन आ गया. अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 पाई 1 नेगेटिव 0.1 पाई 2 इज इक्वल टू 0. ये तो जरा पहली इक्वेशन को हमने दोनों साइड पर जब सॉल्व किया तो वो आ गया. इसी तरह से ये इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं. पाई 2 नेगेटिव 0.2 पाई 1
और नेगेटिव 0.9 और पाई 2। जब आप इनको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा नेगेटिव 0.2 पाई 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 0.1 पाई 2। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई नेगेटिव 0.2 पाई 1 और पॉजिटिव 0.1 पाई 2। और अब मैं कहता हूं सॉल्व करें, साइन अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वेट इज द सॉल्यूशन। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में डिपेंडेंट हैं, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। अब हमें कैसे सॉल्व करना है? एक आपको इंफॉर्मेशन तो पहले नहीं बताई थी कि सम ऑफ द स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज मस्ट इक्वल टू 1। सम ऑफ द पाइस, सम ऑफ द स्टेट प्रोबेबिलिटीज मस्ट इक्वल टू 1। जितनी भी स्टेट्स हैं वो ना रो वाली लिखा था ना 0.8, 0.2 और हमने कहा था इसका सम 1 होना चाहिए। तो जो स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज होती हैं मैं उनका सम 1। तो हमारे पास क्योंकि दो स्टेट्स हैं तो अब हम क्या करेंगे, वो जो पीछे हमने दो इक्वेशन लिया ये तो डिपेंडेंट है, एक ऐसी इक्वेशन लेनी चाहिए या मिलनी चाहिए जिसमें पाई 1 पाई 2 का जिक्र हो लेकिन वो उसके साथ मल्टीपल ना हो, डिपेंडेंट ना हो। तो आप दूसरी इक्वेशन ये यूज करेंगे, ठीक, हमेशा यही यूज करेंगे क्योंकि सम ऑफ द स्टेट प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैंने अब 3 लिख दी ये और रीजन बता दी कि जो 1 और 2 हैं आर द लीनियरली डिपेंडेंट, वो तो नहीं सॉल्व कर सकते। और मैंने इनको ये दूसरी साइड पे ले गया और कहा ये देखें जी अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव करके सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने 1, 2 को नहीं लिया, मैंने 1 और 3 को लिया। आप 2, 3 भी ले सकते हैं, हाँ मैंने 2, 3 लिया, बस ठीक है 2, 3 ले लें, ये 2, 3 ले लें, उसमें भी पाई 1 पाई 2 आ रहा है, उसमें भी पाई 1 पाई 2 आ रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें और यहाँ से आपके दो स्टेट्स प्रोबेबिलिटी के आंसर आ गए। पाई 1 इज 0.3333 एंड पाई 2 इज 0.666। लॉन्ग रन स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज कहता जी ऑन द लॉन्ग रन अगर मशीन ठीक है चलती रहेगी 33% चांस लॉन्ग रन में जाके, एंड द ब्रोकन डाउन विल बी 66.67%। दीज आर द इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज। क्या करना है आपको, सिंपली एक दो बस क्या करना है, स्टेट्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, इसको आपने यहां से इक्वेशंस मल्टीप्लाई करके बना देनी है। दो इक्वेशन बनेगी उनमें से एक ले ले और एक इक्वेशन आपने ये ले ले, बस इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, जो पाई 1 पाई 2 की प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक, इनको जरा चेक करें कि वाकई ये इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये चेक करें ये इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोबेबिलिटीज हैं, इसलिए फर्ज करें ये nth स्टेट के बाद ये प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। इसके बाद मैंने इसको p से मल्टीप्लाई किया ताकि नेक्स्ट स्टेज की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या नेक्स्ट स्टेज की स्टेट प्रोबेबिलिटीज आए। आप जरा इसको कैलकुलेट कर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आंसर आएगा, और फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आंसर आ रहा है। तो मैंने स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज को पी से मल्टीप्लाई किया बट द आंसर रिमेंस द सेम स्टेट प्रोबेबिलिटी एज प्रीवियसली। सो द इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज डू नॉट इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इसे हम कहते हैं कि ऑन द लॉन्ग रन वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम्स ये किस तरह से ये सारी की सारी जो है वो स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसको नेक्स्ट हम चेक करेंगे। यही जो सारा मार्कोव एनालिसिस है बड़ा सिंपल, बस मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स में स्टेट प्रोबेबिलिटी रख दें, एक में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रख दें, मल्टीप्लाई कर दें और हर अगली स्टेज की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लें। इसको तो इवन लोग एक्सेल पे परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल में मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन जो है बड़े आराम से की जा सकती है, वो तो एक्सेल पे भी हो सकता है। आपको बहरहाल मैं QM पे ऊपर इसकी कैलकुलेशन समझा दूंगा, कोशिश करें यार कोई ना कोई बनाने में कामयाब हो जाए। ये छोटे छोटे तो एल्गोरिदम्स हैं जिनको आप प्रॉपरली बना सकते हैं।
ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।